तो आज की जो हेडिंग है वो है मार्केट इंटीग्रेशन या मार्केटिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। इंटीग्रेशन क्या होता तो है? जोड़ना। ठीक है, जोड़ना क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा कोई भी एक्टिविटीज है उनको इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो मार्केटिंग एक्टिविटीज थी अपनी, जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज थी, कौन सी थी, कौन सी थी? ठीक है, मार्केटिंग एक्टिविटीज जैसे प्रोसेसिंग थी, ट्रांसपोर्टेशन था, होलसेलिंग थी, रिटेलिंग थी, स्टोरेज थी। ठीक है, तो ये सब क्या है? मार्केटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो ये मार्केटिंग एक्टिविटीज है इनका क्या करना, इंटीग्रेशन करना या इनको इंटीग्रेट करना। दो या दो से जो भी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है उनको इंटीग्रेट करना ही क्या कहलाता है, मार्केट इंटीग्रेशन या फिर मार्केटिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे कोई होलसेलर है, कोई होलसेलर है, अगर वो होलसेलिंग के अलावा जो रिटेलर का भी काम करे, जो होलसेलर है वो होलसेल के अलावा रिटेल का भी काम करे, तो वो क्या हो गया, इंटीग्रेट कर दिया उसने। मतलब होलसेलिंग प्लस रिटेलिंग दोनों काम एक ही कंपनी या एक ही पर्सन कर रहा है। ठीक है, तो उसने क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया काम को। मार्केटिंग एक्टिविटीज है इनको क्या करना, इंटीग्रेट करना, क्या कहलाएगा, मार्केट इंटीग्रेशन। एक ही पर्सन या एक ही कंपनी दो या दो से ज्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज एक साथ परफॉर्म करे उसको बोलते हैं अपन मार्केट इंटीग्रेशन। समझ गए? यस मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई होलसेलर है, कोई दुकानदार है, होलसेलिंग का काम करता है, अगर वो सोचे कि मैं रिटेलिंग का काम भी मैं ही कर लूँ, ठीक है, मतलब फालतू का जो खर्चा है वो बच जाएगा मेरा ना, या फिर जो इनकम है वो डबल हो जाएगी, ये सोच के वो क्या करेगा, रिटेलिंग का काम भी खुद कर लेगा। तो होलसेलिंग और रिटेलिंग दो काम हो गए ना, दो मार्केटिंग एक्टिविटीज हो गई। अब इन दोनों को एक ही पर्सन कर रहा है, होलसेलर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मार्केट इंटीग्रेशन। समझ में आ गया क्या, जो कंसेप्ट है मार्केट इंटीग्रेशन का वो घुसा के नहीं दिमाग में? ठीक है, तो मार्केट इंटीग्रेशन तीन टाइप है, हॉरिजॉन्टल मार्केट इंटीग्रेशन, वर्टिकल मार्केट इंटीग्रेशन और कॉन्ग्लोमरेशन। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, तो नेक्स्ट चलो टाइप्स पे चलो। इसमें लिखने वाली चीज तो ऐसे नहीं है, क्योंकि इसमें मार्केट इंटीग्रेशन नाम से ही पता लग रहा है कि जो मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज है उनका इंटीग्रेशन होगा। समझ गए, उसी को मार्केट इंटीग्रेशन बोलेंगे। इसमें कुछ लिखवाने वाली जो चीज होगी मैं लिखवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, है ना। नेक्स्ट चले। हाँ, होलसेल और रिटेलिंग कुछ क्या होलसेल क्या बोल रहे हो, एक बार वापस रिपीट करना। एक बोलो बोलो। क्या पूछ रहे हो? होता अच्छा, होलसेलर और रिटेलर क्या होता है ये पूछ रहे हो। होलसेलर वो होता है, जैसे अगर कोई दुकानदार है, अगर वो लार्ज अमाउंट या लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है या फिर मार्केट में बेचता है कोई भी चीज़, जैसे कपड़े वाला हो गया, अगर वो लार्ज अमाउंट में, मतलब जो छोटी दुकानें हैं ना उनको वो सप्लाई देता है, कौन, जो बड़ा दुकानदार है ना उसको होलसेलर बोलते हैं अपन। ठीक है, होलसेल का काम करता है, मतलब बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर जो काम करे वो होलसेलर, और होलसेलर के जो नीचे जो छोटी दुकानें वाले होते हैं ना वो होते हैं रिटेलर। समझ में आ गया?
जो होलसेलर क्या करेगा, जो खुद का जो सामान है उसको वो रिटेलर, जो छोटे दुकानें हैं उनको बेचेगा, वो होलसेलर हो गया, और रिटेलर जो छोटे दुकानें वाले वो रिटेलर हो गए। ठीक है, समझ में आ गया क्या? अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट है वर्टिकल मार्केट इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको? yes, ये स्पेलिंग समझ में नहीं आई तो आप समझ जाना कि ये मार्केट है, फिर मार्केट की तो आपको आती है स्पेलिंग। वर्टिकल मार्केट इंटीग्रेशन, इसमें क्या होगा? वर्टिकल, सबसे पहले तो आप देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। ये क्या है, ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? और ये वर्टिकल। तो अब इतना तो आपको पता है कि वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है। ठीक है, तो वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकल मार्केट इंटीग्रेशन। मार्केट इंटीग्रेशन का मतलब है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज इंटीग्रेट होगी। और वर्टिकल का क्या मतलब है, कोई भी, जैसे कोई फर्म है वो एक से ज़्यादा एक्टिविटी खुद ही परफॉर्म करे। जैसे एग्जांपल, जैसे इंस्टीट्यूट अपना अपेक्स, अपेक्स क्या है, कोई फर्म है, क्या है, फर्म। ठीक है, तो अपेक्स के डायरेक्टर कौन है? अतुल सर। अतुल सर है, ठीक है। अब आपको पता है एडिटिंग कौन करता है इन वीडियोज के? अतुल सर ही करते हैं, मेरे को पता है। ठीक है, अतुल सर पढ़ाते भी है क्या आपको? टीचिंग का काम भी अतुल सर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अपेक्स कोई एक फर्म है, उसमें डायरेक्टर का काम अतुल सर कर रहे हैं, एडिटिंग का काम, वीडियोज की एडिटिंग है वो अतुल सर कर रहे हैं, और टीचिंग का काम भी अतुल सर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक से ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं ना, कोई भी सिंगल फर्म अगर एक से ज्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करे तो उसको वर्टिकल मार्केट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये जो लाइन बनी है ये वर्टिकल बनी है कि हॉरिजॉन्टल बनी है? वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे जो अपेक्स फर्म है उसमें जो डायरेक्टर का काम वो भी अतुल सर करते हैं, एडिटिंग का और टीचिंग का। ठीक है, तो मोर देन वन एक्टिविटी परफॉर्म बाय ए सिंगल एजेंसी या सिंगल फर्म, दैट इज वर्टिकल मार्केट इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? और एग्जांपल ले लेते, जैसे सरस डेयरी है। ठीक है, जो सरस डेयरी है उसमें प्रोसेसिंग का काम सरस करती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का काम सरस करती है, स्टोरेज का काम सरस करती है। ऐसा थोड़ी है कि स्टोरेज तो अमूल वाले में कर लो और एडवर्टाइजमेंट कोई और कर ले और प्रोसेसिंग सरस कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। होता है क्या? ठीक है, तो कोई भी एक सिंगल फर्म या एजेंसी है उसके द्वारा एक से ज़्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाए तो उसको वर्टिकल मार्केट इंटीग्रेशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, लिखवा देता हूँ ना मैं। पहले एक तो ये उतार लो, थोड़ा आइडिया रहे कि ये वर्टिकल ऐसे ही बनना ना, वर्टिकल। तो आपके माइंड में ये एग्जाम्पल याद रहेंगे तो आप बता सकोगे कि वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसमें लिखवा देता हूँ एक बार ये। क्या हमारी क्लास वीक में दो तीन होती है? नहीं, अब कंटिन्यू रहेगा, टेंशन मत लो ना।
ऐसे बोल रहे थे एक होगी वो एग्रो हाँ स्टार्टिंग। नहीं, कल से एग्रो स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है? कल एग्रो स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन मतलब जो पढ़ा रहे हैं और मतलब खुद की तरफ से भी एडिशनल रखना है, बाकी जो पढ़ा रहे हो वो तो रखना ही रखना है ना। बाकी आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? ये समझ में आ गया क्या वर्टिकल मार्केट इंटीग्रेशन क्या होता अच्छा है? ठीक है, तो मिटा दूँ इसको मैं? ठीक है, तो इसमें आप लिखना चाहो तो एक लाइन लिख लो, तो इसमें डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ मैं डेफिनेशन, है ना? आपको बस मोर देन वन एक्टिविटी परफॉर्म बाय ए सिंगल एजेंसी, सिंगल एजेंसी सिंगल फर्म, ठीक है? कुछ भी, अगर कोई जो यहाँ पे एक्टिविटी कौन सी है, मार्केटिंग एक्टिविटीज की बात हो रही है ना, लिख लेना मार्केटिंग एक्टिविटी ही है, समझ जाना। तो कोई भी सिंगल फर्म अगर एक से ज्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही है तो वो हो गए वर्टिकल मार्केट इंटीग्रेशन, समझ गए? सेकंड है हॉरिजॉन्टल मार्केट इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल मार्केट इंटीग्रेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल कैसा होगा? ऐसा ही होगा, होगा कि नहीं? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मार्केट इंटीग्रेशन में क्या होगा कि कोई भी जैसे दो फर्म है, ठीक है, कोई दो फर्म ले लेता हूँ जिनका काम क्या हो, सेम हो। जैसे फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, फ्लिपकार्ट हो गया और अमेजोन हो गया, ठीक है? तो इन दोनों का क्या काम है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट की डिलीवरी करना है ना, प्रोडक्ट डिलीवरी। फ्लिपकार्ट का भी यही काम है और अमेजोन का भी यही काम है ना, तो यहाँ पे काम क्या है, सेम है। क्या काम है? सेम काम है, मतलब दो या दो से ज्यादा कोई एजेंसी या फर्म अगर एक ही सिंगल मार्केटिंग फंक्शन को परफॉर्म करे तो वो हॉरिजॉन्टल मार्केट इंटीग्रेशन होता है। जैसे फ्लिपकार्ट और जो अमेजोन है उन दोनों का काम क्या है, सेम है, प्रोडक्ट की डिलीवरी करना, ठीक है? समझ गए? अब यस बोल दिया करो ना, जिससे मेरे को पता लग जाएगा। हाँ समझ में आ गया, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि कोई भी दो या दो से ज्यादा एजेंसी एक सिंगल या फिर सिमिलर वर्क परफॉर्म करें तो उसको हॉरिजॉन्टल मार्केट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये लिख लो फिर, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ तो उससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा, इसकी जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? मिटा दूँ ये चीज़, एग्जाम्पल लिख लो और फिर उसके नीचे डेफिनेशन लिख लेना। थोड़ा सा एक सारी बताए जब अब देखो, वर्टिकल मार्केट कौन सा वर्टिकल? ठीक सर।
ठीक है, बताता हूँ एक बार, ये लिख लो, फिर मैं दोनों को वापस रिपीट कर देता हूँ ना। लिख तो लिया ना सबने? ठीक है, तो एक बार मैं वापस बता देता हूँ, वर्टिकल और उसके बाद हॉरिजॉन्टल दोनों को रिपीट कर देता हूँ ना। वर्टिकल मार्केट इंटीग्रेशन, MI की फुल फॉर्म क्या है? मुंबई इंडियंस नहीं है, मार्केट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल मार्केट इंटीग्रेशन में क्या होगा? कोई भी एक फर्म एक से ज़्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे सरस डेयरी है, ठीक है, तो सरस डेयरी क्या करती है? प्रोसेसिंग का काम भी खुद करती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का काम भी खुद करती है, स्टोरेज का काम भी खुद करती है। ठीक है, तो ये क्या गया? वर्टिकल मार्केट इंटीग्रेशन। ठीक है, वर्टिकल टाइप में हो रहा है ना ये सब, मतलब कोई एक सिंगल फर्म अगर एक से ज्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करे तो उसको अपन वर्टिकल मार्केट इंटीग्रेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? जैसे कोई भी दो फर्म या दो से ज्यादा फर्म है, अगर वो जो उनका जो फंक्शन है, काम है, वो क्या हो? सिमिलर फंक्शन हो ना, सिमिलर फंक्शन हो, सिमिलर फंक्शन। ठीक है, जैसे मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दिया था, तो दोनों का जो काम है वो सेम है ना, प्रोडक्ट की डिलीवरी करना। ठीक है, फ्लिपकार्ट का और अमेजोन दोनों का काम क्या था? इसका भी डिलीवरी था, इसका भी डिलीवरी था। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। समझ आ गया? तो हॉरिजॉन्टल में लिख लेना सिमिलर फंक्शन परफॉर्म बाई, परफॉर्म बाई बाई टू और मोर एजेंसी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में लिख लेना सिमिलर फंक्शन परफॉर्म बाई टू और मोर एजेंसी। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एजेंसी, उनका एक ही काम होगा। क्या काम होगा? जो भी काम होगा। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन का जो काम है वो क्या है? प्रोडक्ट की डिलीवरी करना। दोनों का काम क्या है? सेम है। ठीक है, तो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म बाय टू और मोर देन एजेंसी। देख लिया क्या? ठीक है, तो थर्ड कौन सा बच गया? कॉन्ग्लोमरेशन। कॉन्ग्लोमरेशन में क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मार्केट इंटीग्रेशन। ठीक है, जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल है उन दोनों को अपन मिला देंगे तो कॉन्ग्लोमरेशन बन जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्लोमरेशन की डायरेक्ट डेफिनेशन लिख देना, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मार्केट इंटीग्रेशन इज नोन एज कॉन्ग्लोमरेशन। मतलब कॉन्ग्लोमरेशन में वो कंपनीज आएगी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों काम वो खुद ही कर लेते हैं ना। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनी, जो इंडस्ट्रीज है, वो कॉन्ग्लोमरेशन में आएगी। जैसे एग्जाम्पल लिख लेना रिलायंस और जो टाटा। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किस में आएगी? कॉन्ग्लोमरेशन में। ठीक है, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों काम खुद ही कर लेते हैं ना।
ठीक है, तो तीनों चीज समझ में आ गई क्या? मार्केट इंटीग्रेशन के तीन टाइप हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेशन। जो फर्स्ट दो हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्ड क्या है, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाएगा या दोनों को मिला देंगे तो कॉन्ग्लोमरेशन होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपन मार्केटिंग में चले। मार्केटिंग चैनल थोड़ी पढ़ा दिया, ठीक है, तो ये लिख लो। नेक्स्ट है मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल, मार्केटिंग चैनल क्या होता है? मार्केटिंग चैनल, ठीक है, मतलब जो मार्केटिंग जो प्रोडक्ट है, ठीक है। अपन किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, मतलब प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट कहाँ जाता है, कंज्यूमर तक, ठीक है। तो वो किस रूट से जाता है, उस रूट को अपन चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग चैनल क्या होगा, कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर से जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक जा रहा है, मतलब किस चैनल से जा रहा है, ठीक है, किस माध्यम से जा रहा है, किस रूट से जा रहा है, उस रूट को अपन मार्केटिंग चैनल बोलते हैं ना। तो लिख लेना यहां पे, मार्केटिंग चैनल रेफर्स टू ए रूट, मार्केटिंग चैनल रेफर्स टू ए रूट वेयर ए कमोडिटी मूव प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। डेफिनेशन लिख लेना, मार्केटिंग चैनल रेफर्स टू ए रूट। रूट क्या होता है, रूट क्या है, कोई चैनल है, कोई रास्ता है, उसको बोलते हैं रूट, ठीक है। मार्केटिंग चैनल रेफर्स टू ए रूट वेयर ए कॉमोडिटी मूव फ्रॉम प्रोडक्ट प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। कोई भी अपनी जो प्रोडक्ट है या कॉमोडिटी एग्रीकल्चर, वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जिस रूट से जाती है, उस रूट को अपन मार्केटिंग चैनल बोलते हैं, ठीक है। राइटिंग समझ नहीं आए तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मार्केटिंग चैनल अब दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल होता है और एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल होता है। ये लिख लिया क्या? यस ठीक है, तो मार्केटिंग चैनल में दो टाइप है, जैसे नाम से ही पता लग जाएगा। डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में क्या होगा, हाँ, फार्मर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाएगी कमोडिटी, ठीक है। जैसे डायरेक्ट चैनल में, जैसे फार्मर अगर मतलब कोई कॉमोडिटी फील्ड पे लगा रखा है ना, तो अगर कोई रोड से जाएगा कोई सब्जी लेने, या फिर जा रहा होगा रोड से, तो अगर वो सब्जी वहीं से ले लेता है फील्ड से, फार्मर के फील्ड से, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में आ जाएगा, ठीक है। बहुत से किसान क्या होते हैं कि जो जिन जो फील्ड है उनका, तो फील्ड के बाहर वो ठेला लगा के खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और जो भी आने जाने वाले हैं उनको सब्जी बेचते हैं, तो वो डायरेक्ट रूट है ना, डायरेक्ट चैनल आएगा या डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में आएगा, समझ रहे हो। सर प्रोड्यूसर अगर डायरेक्ट ही कंज्यूमर को बेच दे, ठीक है, बीच में कोई नहीं आए, तो क्या होगा, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। सर
ठीक है, और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट क्या होगा, अगर डायरेक्ट नहीं बेचेगा तो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी फार्मर का प्रोडक्ट है वो फार्मर पहले तो कहाँ ले जाएगा, मंडी में ले जाएगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट को मंडी में ले जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कोई कंज्यूमर तक जाएगा। तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। समझ रहे हो? ठीक है, तो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में क्या होगा, प्रोड्यूसर या जो फार्मर है वो डायरेक्ट सेल कर देगा किसको, कंज्यूमर को, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा, फार्मर होगा वो पहले मंडी ले जाएगा, फिर मंडी में जो आड़ती यार जो मिडिल मैन है वो उसको बेच देंगे और फिर वो कंज्यूमर के पास जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। समझ में आ गया? चलो बेटा दू अब इसमें देखो, एक तो होता है मार्केटिंग कॉस्ट, दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। मार्केटिंग कॉस्ट हो जाता है, मार्केटिंग मार्जिन होता है, और ए होता है प्राइस स्प्रेड। मार्केटिंग कॉस्ट, मार्जिन एंड प्राइस स्प्रेड। मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहले तो ये बताओ कॉस्ट क्या होती है। किसी भी गुड्स की वैल्यू कॉस्ट होगी, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स। आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप एक बार वापस बोलो ना। अच्छा, तो मार्केटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा फिर? चलो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले कॉस्ट बताता हूँ। कॉस्ट क्या होती है, अपन कोई कॉमोडिटी खरीद रहे हैं तो उसके लिए अपन पैसे देते हैं ना उसको, जैसे एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चा अपना, वो कॉस्ट है ना। ठीक है, जैसे मैंने 2 kg सीड खरीद लिया, ठीक है, 100 रुपये में, तो ये 100 रुपये क्या है, कॉस्ट है, किसकी खर्चा है, किसका है, अपन ने 2 kg सीड खरीदा, उसका खर्चा कितना है, 100 रुपये, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट, एक्सपेंडिचर को। तो मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग का मतलब जो मार्केटिंग एक्टिविटीज हो रही है अपनी, ठीक है, जो मार्केट में जो जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हो रही है उसके अंदर जो खर्चा हो रहा है अपना, कॉस्ट लग रही है, उसको मार्केटिंग कॉस्ट बोल देंगे। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा हो गया, ठीक है, स्टोरेज में इतना हो गया, तो ठीक है, तो ये क्या है, मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग एक्टिविटीज में जो भी खर्चा आ रहा है उसको मार्केटिंग कॉस्ट बोलते हैं। मार्केटिंग मार्जिन क्या होता है, मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, मार्जिन का मतलब प्रॉफिट। अपन बोलते हैं ना कि जो अपन कुछ सामान लेने जाते हैं दुकान पर, तो दुकानदार बोलता है कि तो इसमें तो मार्जिन ही निकल रहा है ना, बोलता है ना, तो मार्जिन का मतलब इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब मार्जिन का मतलब है प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ मार्केटिंग प्रॉफिट मतलब अपन कोई भी कमोडिटी सेल करेंगे, ठीक है, अगर कॉस्ट से ज़्यादा रुपए आ गए अपने पास तो वो क्या होगी, बेनिफिट में, अपन प्रॉफिट में। ठीक है, तो प्रॉफिट किसको बोलते हैं, मार्जिन को। और एक हो गया प्राइस स्प्रेड, यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्राइस स्प्रेड ही है ना। मार्केटिंग कॉस्ट और मार्केटिंग मार्जिन कुछ भी नहीं है, अपने को नाम से ही पता लग जाएगा, कॉस्ट मतलब मार्केटिंग एक्टिविटीज में कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना खर्चा आ रहा है उसको मार्केटिंग कॉस्ट।
मार्केटिंग में अपने पास कितने पैसे बच रहे हैं, अगर कॉस्ट से ज़्यादा बच रहे हैं तो प्रॉफिट है, ठीक है, उसको मार्जिन बोल देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट यही है, प्राइस स्प्रेड क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ, स्प्रेड का मतलब समझते हो, स्प्रेड फैलना, ठीक है, फैलना, उसको बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली मैं जो प्राइस स्प्रेड है वो बताऊंगा, और बाकी ये चीज तो बता दी मैंने, ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, प्राइस स्प्रेड, प्राइस स्प्रेड के डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है, ठीक है। तो प्राइस स्प्रेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्राइस स्प्रेड, यहाँ पे क्या स्प्रेड हो रही है, प्राइस, ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, फार्मर है वो किसी प्रोडक्ट को मंडी में ले जाता है, उसको 10 रुपये केजी बेचता है ना, कितने रुपए, 10 रुपये पर केजी बेच रहा है, ठीक है। और अपन उसी प्रोडक्ट को कितने में खरीद रहे हैं, यहाँ पे 50 रुपये में खरीद रहे हैं ना, ठीक है, पर केजी, ठीक है। फार्मर है जो किसान है, किसी मतलब सब्जी, मान लो अपन सब्जी खरीद रहे हैं, तो फार्मर तो क्या है कि मंडी में बेच गया 10 रुपये केजी में सब्जी बेच गया, ठीक है। और अपन यहाँ मार्केट में खरीद रहे 50 रुपये सब्जी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन तो पैसे कितने रुपए दे रहे हैं अपने पास, मतलब अपन कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 50 रुपये में, मतलब अपन तो 50 रुपये दे रहे हैं, लेकिन जो फार्मर है उसको 10 रुपये ही मिल रहे हैं, ठीक है, फार्मर को 10 रुपये मिल रहे हैं और अपन 50 रुपये दे रहे हैं। तो बाकी के जो 40 रुपये है वो क्या है, स्प्रेड, प्राइस स्प्रेड, ठीक है। जो 40 रुपये है वो स्प्रेड हो गए, कहाँ गए वो स्प्रेड हो गए, ठीक है, जो बीच में जो मिडिल मैन थे या जो मार्केटिंग कॉस्ट है वहाँ पे खर्च हो गए, ठीक है, या जो मिडिल मैन थे आड़तिया वगैरह, ठीक है, बिचौलिए, वो खा गए, इसको बोलते हैं प्राइस स्प्रेड। समझ में आया कि नहीं, आवाज आ रही मेरी, ठीक है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, डेफिनेशन लिख दूँ उसके बाद एग्जांपल से और समझा दूंगा ना, पहले डेफिनेशन लिख लो। प्राइस पेड बाई द कंज्यूमर एंड प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को अपन फार्मर बोल सकते हैं ना, प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। यहाँ पे स्टार्टिंग में एक चीज लिखनी, डिफरेंस तो लिखा ही नहीं अपने, डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे लिखना स्टार्टिंग में, डिफरेंस बिटवीन प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एंड प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो प्राइस स्प्रेड होगा। यहाँ पे मैं लिखूँ या आप लिख लोगे स्टार्टिंग में, ठीक है, जो प्राइस है ना इससे पहले लिख लो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एंड प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर, इसको अपन प्राइस स्प्रेड बोलते हैं। डेफिनेशन लिख ली क्या सबने, यहाँ से स्टार्ट करनी है ना, डिफरेंस बिटवीन प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एंड प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर या फार्मर, उसको अपन प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस में डिफरेंस है, प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूमर है वो कितने रुपए पेड कर रहा है, मतलब दे रहा है ना, एंड प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर या फार्मर, और जो फार्मर है वो कितने रुपए रिसीव कर रहा है, उन दोनों के बीच के जो अंतर को
अपन क्या बोल देंगे, प्राइस स्प्रेड। तो प्राइस स्प्रेड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेगा वो, ठीक है। तो प्राइस स्प्रेड की जो डेफिनेशन है वो लिख लेना, डिफरेंस बिटवीन प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एंड प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर या फार्मर, उसको अपन प्राइस स्प्रेड बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, फार्मर अगर सब्जी बेच रहा है, जैसे टोमेटो है ना, टोमेटो फार्मर 10 रुपये पर केजी बेच रहा है ना, 10 रुपये पर केजी बेच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अपन कंज्यूमर है वो उसको खरीद रहा है 50 रुपये पर केजी, 50 रुपये पर केजी में खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने या जो कंज्यूमर है उसने कितने रुपए दिए, 50 रुपये, और फार्मर को कितने रुपए रिसीव हुए, कितने रिसीव हुए, 10 रुपये। तो बाकी का जो 40 रुपये है कहाँ गए, वो स्प्रेड हो गए, प्राइस स्प्रेड इसी को बोलते हैं, ठीक है। जो 40 रुपये वो तो कुछ या तो कुछ कॉस्ट लग जाएगी, मार्केटिंग कॉस्ट, या फिर जो मिडिल मैन आड़तिया बिचौलिए वो खा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। तो प्राइस कितनी पेड की है कंज्यूमर ने, बताओ बताओ कितनी पेड की है यहाँ पे, 50 की है। तो प्राइस स्प्रेड यहाँ पे अपन PS निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने 50 रुपये पेड किए, मतलब पे किए, एंड रिसीव्ड बाय द फार्मर, और फार्मर को 10 रुपये रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो बाकी के जो 40 रुपये हैं वो क्या है, प्राइस स्प्रेड। समझ में आ गया कि ये चीज, इसमें और कुछ समझाने की जरूरत है प्राइस स्प्रेड में, डेफिनेशन याद रखनी है बस।